Today, we will start chapter two Fractions and Decimals from NCRT updated version, new version. क्लास सेवंथ फोर सी बी तो अब सबसे पहले फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है बेटा नंबर विच इज इन दी अपॉन क्यू वियर एंड क्यू आर नेचुरल नंबर क्या हूं ये नेचुरल नंबर हाँ दैट आर कॉल्ड फ्रैक्शन और डेसिमल पार्ट बिटवीन एनी टू नंबर्स पार्ट फ्रैक्शन भी पार्टी होता है डेसीमल भी पार्टी होता है अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन इसमें सबसे पहला टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन में जैसे कोई भी फ्रैक्शन है थ्री बाय टू इन टू सपोज सिक्स बाय सेवन है तो ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से नीचे वाली टर्म नीचे वाली से मल्टीप्लाई होती है अगर ये कट होते हैं चाहे क्रॉस चाहे चाहे ऊपर नीचे तो काट है नीचे से नीचे वाला नहीं कट करना ऊपर से ऊपर वाला नहीं कट करना ऊपर और नीचे हम कट कर सकते हैं थ्री आ गया या वन बच गया टू के रेल पे कट हो गया थ्री थ्री जा नाइन सेवन वन जा, नाइन बाय सेवन इज द आंसर ओके इस टाइप से बच्चे हम इसको कैलकुलेट करेंगे समझे बच्चे नाउ मल्टीप्लीकेशन बाय क्या कर रहे हो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन विद अ होल नंबर सेकंड टॉपिक है ये विद अ होल नंबर होल नंबर कौन से होते हैं पता है ना आपको यस yes, सर जो जीरो से स्टार्ट हैं जीरो वन टू थ्री फोर अब फ्रैक्शन कोई भी ले ली मैंने सेवन अपॉन फाइव ले लिया इसको मैं थ्री से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आंसर आएगा व्हाट वी गेट बच्चे आपका वॉइस नहीं आ रहा फाइव देखो मैंने पहले ही बोला ऊपर वाली टर्म ऊपर से मल्टीप्लाई हो जब थ्री है हाँ. तो नीचे कुछ नहीं है तो नीचे क्या होता है वन होता है ओके okay? समझे बच्चे okay. अब साथ साथ में ना बच्चे यहां पे जो ट्राई दीज है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ओके okay? चलो फ्रैक्शन का पहले मैं बता देता हूं फ्रैक्शन कितने टाइप के होती हैं? दो टाइप के होती हैं प्रॉपर एंड इम प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है है आपको प्रॉपर जो वो डिनोमिनेटर से छोटी होती है जब न्यूमिनेटर स्मॉलर हो डिनोमिनेटर से

सेवन वन जा सेवन टू रिमाइंडर तो क्या आएगा यहाँ पे वन जो क्वेश्चन होता है बीच में आता है hold, so, क्या क्या वन होल टू अपॉन सेवन यस दिस इज मिक्स फ्रैक्शन तो इस टाइप से प्रॉपर फ्रैक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते मिक्स में बट इम्प्रॉपर को हम ऑलवेज मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे okay. ही करेंगे ठीक है बच्चे तो यहां पे ट्राई ट्राइदीज क्या लिखा है यहां पर देखो ट्राइदीज फाइंड दिस 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 इज द प्रोडक्ट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक्सप्रेस इट एज मिक्स फ्रैक्शन अगर इंप्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है रिप्रेजेंट पिक्टोरियली इसको पिक्चर पिक्टोरियली करना है वो मैं बताता हूं पिक्टोरियली कैसे होगा सबसे पहले फर्स्ट सम, थर्म ट्राइदीज का फाइंड ए पार्ट फर्स्ट सम का ए पार्ट टू बाय सेवन इंटू थ्री वट वी गेट क्या आएगा उच्च अपॉइंट सेवन सिक्स अपॉइंट सेवन हो गया इसका एक डी पार्ट भी कर देते हैं बाकी रिमेनिंग पार्ट बच्चे अभी आपने ना सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करना आपने ये पार्ट भी करनी है ओके सिक्स थर्टीन सिक्स आ सेवेंटी एट और इन्होंने you know, क्या बोला था ये इम्प्रॉपर है ना yes, sir. इसको किसमें चेंज करना है मिक्स yes. में इलेवन सेवन जा सेवेंटी सेवन वन रिमाइंडर बचा वो ऊपर आएगा नीचे इलेवन ये चेंज हो गया मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे इस टाइप से सारी करनी सेकंड है बेटा रिप्रेजेंट पिक्टोरियली हां जी पिक्टोरियली मतलब पिक्चर में रिप्रेजेंट करना है किसको टू तो इंटू टू बाई फाइव किसके इक्वल फोर बाय फाइव क्या करेंगे हम वट वी कैन डू एक सर्कल बना लो क्योंकि टू बाय फाइव को टू से मल्टीप्लाई करना है तो दो सर्कल ही बना लो। अगर यहाँ थ्री, थ्री तो तीन सर्कल बना लेते होता तो फोर सर्कल बनाते अब टू अपॉन फाइव नीचे क्या है फाइव।, फाइव तो इस सर्कल को फाइव पार्ट में डिवाइड कर दो किस टाइप से करें एक आ, दो तीन चार पांच सेम जैसे यहां पे लाइंस खींची है ना ड्रॉ की है सेम टू तो सेम इसमें भी ड्रॉ कर दो हो गया फाइव पार्ट yes. अब यहाँ पे क्या है टू बाय फाइव ऊपर कितना है टू है ना टू yes. पार्ट्स को शेड कर दो इसमें भी टू पार्ट्स को शेड शेड कर दो बीच में प्लस साइन क्योंकि इनटू टू कर रहे हैं तो टू टाइम हो गया ना yes, sir. कितने कितने पार्ट्स शेड हो गए हैं दो यहां पे, दो यहां पे टोटल कितने हो गए एक सर्कल और बनाना है उसके अंदर ऐसे ही फाइव पार्ट्स को करना है और फोर पार्ट्स को शेड कर देना है हो गया फोर बाय फाइव इन दोनों का एडिशन टू इंटू टू बाय फाइव होगा किसके इक्वल इसके इक्वल आया समझ? अब yes. ऑफ <coughs> जैसे कई बार लिखा होता है फाइव ऑफ थ्री इसका मीनिंग है ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई इसका मीनिंग क्या होता है मल्टीप्लाई होता है तो so, इसका मतलब थ्री इंटू सॉरी फाइव इंटू थ्री लिख सकते हैं हम दैट इज फिफ्टीन अब आ गया ऑफ तो इसका मतलब सेवन अपॉइंट फाइव इंटू थ्री तो क्या आंसर आएगा सर so, yes. ट्वेंटी इसको हम एक्सप्रेक्शन में चेंज करने करना है जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी तो एक माइंड में रूल बिठा लो कि हमने उसको चेंज करना ही करना है समझे बच्चे यस yes, इसके बाद बेटा हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज एक्सरसाइज टू पॉइंट वन बहुत इजी वाली एक्सरसाइज है इसके अंदर कुछ भी नहीं है विच ऑल दू डी शो टू इंटू वन बाई फाइव देखो ये क्वेश्चन है बेटा आप अपनी एक्सरसाइज अपनी बुक में से टू पॉइंट टू ओपन कर लो टू पॉइंट वन नहीं करनी टू पॉइंट टू ओपन करो ठीक है yes, इसके अंदर क्या है देखो टू इंटू वन बाय फाइव है इन चार फिगर्स में से ए बी सी डी कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है टू इंटू वन बाय फाइव को बोलिए बच्चे नीचे क्या है इसके सर so फाइव तो फाइव वाला फिगर कौन सा जिसमें फाइव पार्ट्स हैं सर डी वाला डी वाला जिसमें फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया है ना yes, अब टू इंटू हाफ

पहला पार्ट कर रहा हूं मैं सेवन इंटू थ्री अपॉन फाइव क्या आएगा यहां पे ट्वेंटी ये अपनी लोएस्ट टर्म में है नो no, कट हो रहे हैं नो नो नहीं हो रहे कट तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है क्या आएगा फाइव फोर जार ट्वेंटी वट इज द रिमाइंडर वन अपॉन टू तू है ये वन अपॉन फाइव तो इसी में मुझको पता लग गया तूने मार्क्स कहाँ कटवाए एटी फाइव क्यों आए हैं तेरे आता तेरे को सारा था और ये इसी चीज के कटवाए हैं तूने फिफ्टीन मार्क्स कहीं टू लिख दिया होगा फाइव को है ना मोटी ऐसे किया है चलो इसका बच्चे मैं सब एट पार्ट कर रहा हूं 8th में है 20 4 5 क्या लिखा है मल्टीप्लाई पहले मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 80 80 5 इसके बाद इसको लोएस्ट टर्म में करना है कट हो रहे हैं ये यस सर काट दो 5 1 5 16 5 80 16 आ गया 16 के नीचे वन डालना है डाल दो अगर अकेला 16 लिखना है वो भी ठीक है दोनों आंसर करेक्ट है आया समझ yes, sir. और कोई कारण करने की जरूरत है आई थिंक सो नो अपने आप करोगे ये औरल है बेटा। इसके अंदर क्या बोला है उन्होंने एक पेंसिल कहा शेड हाफ ऑफ सर्कल इन बॉक्स ए बॉक्स ये है हाफ टोटल कितने सर्कल हैं? से so ट्वेल्व और हाफ ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए को शेड करना है कितने सर्कल्स को शेड करूं मैं सिक्स बस कर दिया अब टू थर्ड ऑफ द ट्रायंगल इन बॉक्स बी बी में टू थर्ड करनी है टोटल कितने सर्कल हैं सर नाइन नाइन का टू बाय थ्री कितना होगा बोलो बेटा नाइन ट्रैंगल्स है ना इसमें yes. नाइन ट्रैंगल्स का टू बाई थ्री कितना होगा तो ऐसे करके देख लेना है टू बाई थ्री इंटू नाइन कर लेना है से थ्री से थ्री नाइन कट गया थ्री थ्री दूजा जिक्स आ गया सिक्स ट्रैंगल्स को क्या कर दो शेड कर दो समझ आ गया बच्चे यस yes, यस yes. और इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं स्मॉलर फाइव 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 फिफ्टीन है ना यस yes, तो थ्री बाई फाइव ऑफ फिफ्टीन कितना होगा नाइन ट्रेंगल रेक्टेंगल्स को शेड कर देना फाइव हो गया सिक्स हो गया सेवन हो गया एट हो गया नाइन हो गया हो गया ठीक है बच्चे यस सर क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव फाइव में क्या है फाइंड हाफ ऑफ ट्वेंटी फोर हाफ ऑफ फोर्टी सिक्स मतलब पहला पार्ट हाफ ऑफ ट्वेंटी फोर फाइन करना फिर हाफ ऑफ फोर्टी सिक्स फिर हाफ ऑफ of... नहीं ये दूसरा पार्ट हो गया जैसे फिफ्थ का ए पार्ट है हाफ ऑफ पहला पार्ट उन्होंने लिखा है ट्वेंटी फोर सेकेंड पार्ट लिखा है ट्वेंटी फोर्टी सिक्स पहला पार्ट डाल के हाफ ऑफ पूरा लिखेंगे ऐसे जिसे मैंने लिखा है ठीक है बेटा यस इसके बाद क्या लिखू मैं हाफ कठोरे आ जाएगा 12. So 12. The 12 is the answer. इसके बाद सेकंड पार्ट इसका half of 46. कितना आएगा हाफ इंटू ये आ जाएगा इसके बाद थर्ड थर्ड नहीं है पार्ट है मतलब सारे I think so, आप इजीली कर लोगे कर लोगे ना yes सर कोई जरूरत नहीं है मुझे करने की मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करना है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज द मिक्स फ्रैक्शन सिक्स का बच्चे ए पार्ट है थ्री इंटू फाइव वन बाय फाइव है <laughs> तो यहां पे थ्री इंटू इसको ओपन करो कितना लिखू मैं सर अब सबसे पहले ये चेक करने कट कर तो नहीं हो रहा ऐसे या ऐसे नहीं हो रहा नो no. तो चेंज करो मल्टीप्लाई करो क्या आएगा अपॉन फाइव आ गया अब उन्होंने क्या बोला हुआ है एंड एक्सप्रेस एज मिक्स फ्रैक्शन तो चाहे तो लॉन्ग डिवीजन कर लो चाहे फाइव वन जा फाइव ट्वेंटी एट फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव थ्री बच गया ऊपर रिमाइंडर नीचे फाइव ये हमारा फाइनल आंसर आ गया मिक्स फ्रैक्शन में ठीक है यस yes. Uh... इसका ई पार्ट में और कर देता हूं थ्री वन बाय फोर इंटू सिक्स तो इसको मैं क्या लिखू मुझे मिक्सट्रक्शन ओपन कीजिए इंटू सिक्स बट ये फोर एंड सिक्स कट हो रहे हैं टू के टेबल पे नीचे कट करके क्या आएगा सर टू ऊपर थ्री अब क्या आएगा मल्टीप्लाई करके सर थर्टी नाइन सेक्शन में चेंज कीजिए वन नाइन नाइनटीन टू थर्टी एट वन अपॉन टू दिस इज द आंसर ये हमारा आंसर आ गया ओके यस सर लग गया पता अब रिमेनिंग पार्ट यू कैन डू इट यूर सेल्फ सेवन फाइंड हाफ ऑफ दिस हाफ ऑफ दिस तो वही सेम है कौन सा बी वाला पार्ट कर देता हूं मैं सेवंथ का बी वाला फाइव बाय एट ऑफ फर्स्ट पार्ट लिखा है उन्होंने थ्री फाइव बाय सिक्स एंड सेकेंड पार्ट लिखा है नाइन टू बाय थ्री तो अब पहला पार्ट फाइव बाय एट ऑफ थ्री फाइव बाय सिक्स नेक्स्ट स्टेप में बेटा फाइव बाई एट मतलब मल्टीप्लाई साइन फ्रैक्शन ओपन करो कितना आएगा ना अपॉन नहीं हो रहा कुछ भी वन वन कैरी और इसको हम में हमने चेंज करना ही करना है अपॉन फोर्टी एट आंसर Okay. बच्चे okay. इसका सेकंड पार्ट भी कर देते हैं फाइव बाई एट ऑफ नाइन टू बाई थ्री नाइन थ्री ट्वेंटी अपॉन थ्री ये भी कट नहीं हो रही ना ऊपर ना क्रॉस नाइव नाइन सा फोर्टी फाइव फोर कैरी टेन फोर फोर्टी अपॉन ट्वेंटी फोर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कीजिए ट्वेंटी फोर फोर ट्वेंटी फोर सिक्स वन फोर दिस इज आंसर ओके यस सर लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज एट विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक विद्या और प्रताप कहाँ गए पिकनिक पे

फाइव लीटर इज इक्वल टू फाइव लीटर फाइव लीटर विद्या कंज्यूम टू फिफ्थ ऑफ द वॉटर हाउ मच वॉटर डिड विद्या वॉटर ड्रिंक बाय विद्या कितना टू फिफ्थ ऑफ वॉटर ना टू फिफ्थ ऑफ फाइव ऐसे लिखना है बच्चे ठीक है 5 5 टू अपन फाइव एज लाइक ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई फाइव एस लाइक फाइव से फाइव कट हो गया कितना टू लीटर आ गया यह हमारा आंसर सेकंड पार्ट ये फर्स्ट पार्ट था अब इसके बाद आ जाता है सेकंड पार्ट वट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिट प्रताप ड्रिंक वाटर ड्रिंक बाय प्रताप कितना आएगा जल्दी बोलिए बोलो बोलो बच्चे जल्दी से कॉमन सेंस है माइनस so, फाइव नहीं फाइव माइनस टू बेटा इतना आ जाएगा थ्री लीटर क्योंकि रिमेनिंग वाटर पत्ता आपने पिया टोटल फाइव था विद्या ने कितना पी लिया टू लीटर तो रिमेनिंग वाटर तो प्रताप ही पिएगा ना बस yes, तो हमारा एक्सरसाइज खत्म खत्म हो गया नाउ अभी हम करेंगे बच्चे टू पॉइंट टू एक्सरसाइज आपकी बुक में टू पॉइंट थ्री है पहले क्या था फ्रैक्शन विद होल नंबर मल्टीप्लाई अब जो एक्सरसाइज टू पॉइंट टू है उसके अंदर क्या है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन विद फ्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन विद फ्रैक्शन हाँ फ्रैक्शन विद फ्रैक्शन फ्रैक्शन को फ्रैक्शन okay. के साथ मल्टीप्लाई करना है फॉर एग्जाम्पल सेवन अपॉन फाइव इंटू थ्री अपॉन सेवन क्या sir, 35. आएगा अगर पहले कट हो रही है ना काट दो हाँ, अगर क्वेश्चन में लिखा है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस देम इनटू अ लोएस्ट फॉर्म तब हम पहले मल्टीप्लाई कर देंगे फिर कट करेंगे जब उन्होंने कुछ नहीं बोला सिर्फ मल्टीप्लाई बोला है एट टाइम हम सीधा कट कर देंगे ओके okay? yes, पल थ्री बाय सेवन इंटू फाइव बाय कुछ भी कट नहीं हो रहा ट्वेंटी एट ये प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए मिक्स में नहीं चेंज होगा अगर ट्वेंटी एट ऊपर मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर करना है ठीक है yes. अब ये सिंपल वन अपॉन फोर्टीन यहां पे ऐसे ही लिखना है वन इंटू वन नीचे फाइव इंटू सेवन इसमें भी वन इंटू वन नीचे सेवन इंटू टू वन इंटू वन सेवन इंटू फाइव नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज टू टू पॉइंट फर्स्ट सम फाइंड वन बाय फोर ऑफ वन बाय फोर थ्री बाय फाइव फोर बाय थ्री फर्स्ट सम मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं वन बाय फोर ऑफ ए पार्ट क्या है इसका वन बाय फोर B part three by five and C part four by three तो A पार्ट सबसे पहले क्या लिखूं मैं यहाँ upon four ऑफ नहीं पहले एक बार ऑफ लाना ओके okay. one by four तो one upon four ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज करना वन बाय फोर four से four काट दूं? yes सर ना, दोनों नीचे है ना कट कर सकते हैं ना आप इसमें चाटा खाना है ऊपर कट हो सकता है नीचे से नीचे वाला नहीं कट हो सकता हांजी जुबी ओके हांजी ध्यान रखो बेटा ये गलतियां नहीं, नहीं करनी वन को वन से किया वन आ गया फोर इंटू फोर सिक्सटीन आ गया इसका बी पार्ट

फोर से फोर कट जाएगा आएगा. मैंने पहले बोला ना कि इन्होंने कौन सा लिखा है उन्होंने फाइंड बोला है ना यस yes, सर. तो इसको मल्टीप्लाई करते वक्त अगर कट होता है ऊपर नीचे तो काट सकते हैं तो काटना है समझे बच्चे yes, इसका सेकंड सम अपने आप करोगे टू लोएस्ट टर्म फॉर्म इफ पॉसिबल मल्टीप्लाई करना है और रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में अगर पॉसिबल है तो समझे बच्चे तो yes. क्या करें हम पहले मल्टीप्लाई कर दें कि इसको कट करके मल्टीप्लाई करें बोलो पहले मल्टीप्लाई नहीं पहले ही कट कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट है जैसे टू बाय थ्री इन टू 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 बाय थ्री लिखा है ना

नहीं मैंने ये बोला कि नीचे नीचे और ऊपर ऊपर वाला कट नहीं होता हाँ तो क्या आएगा आंसर इसको मिक्स में कर नाइन वन नाइन सेवन अपऑन नाइन दिस इज आंसर ओके यस इसका फिफ्थ पार्ट करता हूं मैं वन अपॉन थ्री इनटू फिफ्टीन अपॉन एट देखो ये कट हो रही है ना तो इसको yes. कट कर दो वन फाइव आ फाइव नीचे एट दिस इज़ द आंसर समझे बच्चे यस मल्टीप्लाइड आ फॉलिंग फ्रैक्शंस बच्चों वाला ही काम है ये तो तेरे को सारे आते ही हैं आते हैं ना जो भी यस सर स्माइल नहीं आती फेस पे बहुत कंजूस है ना तू तो? स्माइल देने के मामले में है ना बच्चे हाँ जी बेटा क्या करें टू अपॉन फाइव इंटू इंटूंटी अपॉन फोर अब देखो ये टू और फोर कट हो रहे हैं ना यस yes, सर काट दो 21, नीचे टेन इसको फ्रैक्शन में कर दो टेन टू झा ट्वेंटी वन रिमाइंडर दिस इज बच्चे इसका कोई और पार्ट करूं नहीं अपने आप करोगे hmm. मैं नहीं करवाऊंगा फोर्थ फोर्थ में उन्होंने क्या लिख दिया विच इज ग्रेटर दिस और दिस दिस और दिस मैं एक पार्ट करूंगा कौन सा करूं फर्स्ट वा, वाला करूं कि सेकंड वाला करूं फर्स्ट वाला पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं टू बाई सेवन ऑफ थ्री बाय फोर और थ्री बाय फाइव ऑफ फाइव बाई एट तो यहां पे इसको अलग सॉल्व करो इसको अलग सॉल्व क्या लिखू यहाँ पे बताओ मुझे सर टू अपॉन हाँ इंटू थ्री अपॉन फोर कट हो रहे हैं। यस yes, सर कौन सा कट हो रहा है ये फोर्थ थ्री नीचे टू आ जाएगा ना ऊपर वन आ गया वन yes, को थ्री से किया थ्री आ गया ऐसे इसको करो थ्री अपॉन फाइव इंटूंट फाइव फाइव क्या आ गया थ्री अपॉइंट एट अब विच वन ऑफ दम इज ग्रेटर ऊपर वैल्यू सेम है नीचे ये बिगर है ये स्मॉलर है तो कौन सा बिगर हुआ थ्री अपॉइंट फोर्टीन थ्री बाय एट बिगर होगा बेटा नीचे है ना जब भी डिनोमिनेटर जब न्यूमिनेटर सेम हो और डिनोमिनेटर जो बिगर वाला होगा वो स्मॉलर होगा होल रिजल्ट ऊपर वैल्यू सेम है नीचे फोर्टीन है नीचे नीचे है है तो जब ना बिगर टर्म है वो स्मॉलर होगा दिस वन इज स्मॉलर ये याद रखना हाँ, अगर डिनोमिनेटर सेम है ऊपर न्यूमिनेटर जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा ग्रेटर होगा फिफ्थ सम कल मैंने जो है वैदिक मैथ सिखाया था वो किया यस yes. समझ आया फिफ शैली प्लांट फोर इन इन हर गार्डन द डिस्टेंस बिटवीन टू अडजस्ट एंड इज थ्री बाय फोर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने देखो मैं ना एक फिगर बनाता हूं ये फर्स्ट फोर्थ है ना सेकंड थर्ड फोर्थ पहला यहां लगाया दूसरा यहां लगाया तीसरा यहां लगाया फोर्थ वन ये लगा यहां लगाया दो कंजेक्टिव दो लगातार के बीच में कितना डिस्टेंस है थ्री बाय फोर है ये डिस्टेंस थ्री बाय फोर है ये डिस्टेंस थ्री बाय फोर है ये डिस्टेंस थ्री बाय फोर है ना तो फर्स्ट वाला ये और लास्ट वाला ये इनके बीच में कितना डिस्टेंस है फर्स्ट एंड लास्ट क्या आएगा बच्चे सर जीरो जीरो कैसे आया युवि मुझे बता जीरो कैसे आया बताना पड़ेगा हाउ इट बिकम जीरो सर डिस्टेंस पूछ रहा है तो हम लोग फिर बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन तो माइन माइनस नहीं करना मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस थ्री बाय फोर मीटर है यहाँ से यहाँ तक थ्री बाय फोर है यहाँ से यहाँ तक थ्री बाय फोर है तो टोटल तो डिस्टेंस कितना हुआ इनके बीच में दिस प्लस दिस प्लस दिस यस और वी कैन से थ्री इंटू थ्री ऐसे होगा yes. बच्चे समझे बेटा यस yes. ये चीज समझ आई ना माइनस नहीं करना होता प्रैक्टिकली अपना दिमाग भी यूज करो डिस्टेंस पूछा है दिस प्लस दिस प्लस दिस और थ्री बाय फोर इंटू थ्री तो कितना आ गया नाइन बाय फोर मीटर आ गया yes. इसको मिक्सन में चेक कर दो फोर टू जा एट वन अपॉन फोर मीटर ये होगा बच्चे okay. क्या लिखा है लिपिका रीड्स अ बुक ऑफ वन बाय थ्री वन थ्री बाय फोर एवरी डे एक दिन में कितना पढ़ती है कितना टाइम इतना टाइम शी रीड्स द एंटायर बुक इन सिक्स डेज सिक्स डेज में रीड कर दी एंटायर बुक हाउ मेनी आर इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक देखो रीड अ बुक वन बाय थ्री आर एवरी डे टाइम स्पेंड एवरी डे कितना स्पेंड किया वन थ्री बाय फोर आवर ना एक्शन yes, को यहीं पे ऊपर कर लो क्या आएगा सर सेवन अपॉइंट फोर सेवन अपॉइंट फोर आवर टोटल डेज टेकन टोटल टाइम कितना लिया उसने सिक्स डेज दिक्कस तो हाउ मेनी आर टोटल टाइम यहां पर ऐसे ब्रैकेट में डाल दो आर टेकन टू रीड द एंटायर बुक टेकन टू रीड एंटायर बुक क्या होगा जल्दी से बताओ सिक्स सेवन बाय फोर इंटू सिक्स ये कट हो रहे हैं काट दो टू थ्री कितना आ गया ट्वेंटी वन बाई टू आ गया ना यस yes, सर। और इसको में करो। जाएगा अपॉन हो गया यस सर। हाँ जीवन अभी हम कौन से सम पे आ गए हैं <coughs> तेरे स्कूल कब से ओपन है मेरे स्कूल थ्री थर्ड ऑफ़। थर्ड से शुरू होना कोई बात <coughs> <coughs> नहीं हम फोर या फाइव की लगाएंगे डेली क्लास नहीं लग पाएगा ठीक है ओके सर वो भी मैं टाइम शेड्यूल भेज दूंगा कि कौन कौन से डे हमारी क्लास होगी और टाइमिंग भी बता दूंगा कि किस टाइम होगी ओके सर सेवन ए कार रन सिक्सटीन किलोमीटर यूजिंग वन लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन टू थ्री बाय फोर लीटर ऑफ पेट्रोल ए कार रन सिक्सटीन किलोमीटर यूजिंग वन लीटर ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस कवर्ड इन वन लीटर ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस कवर्ड कार इन वन लीटर ऑफ पेट्रोल कितना किलोमीटर हाउ मच डिस्टेंस इट कवर इन डिस्टेंस कवर इन टू थ्री बाय फोर आर कितना होगा सिक्सटीन इन टू टू थ्री बाय फोर ऐसे होगा ना इलेवन बाय फोर हो जाएगा कट हो गया, 4 आ गया, आ आ नीचे डालने की ज़रूरत नहीं है, तो 44 है? तो किलोमीटर आंसर जाएगा, ठीक का द नंबर इन दॉक्स टू बाई थ्री इन टू बॉक्स डाला हुआ है टेन बाय थर्टी लिखा है तो यहाँ क्या नंबर लिखूं बच्चे मैं? कि दोनों का मल्टीप्लाई टेन बाय थर्टी आ जाए टेन बाय टेन नंबर क्या हो गया देखो टू को टेन से करेंगे oh, into... हाँ, मैंने गलती कर दी <laughs> देख मेरी गलती पे तो इतना खुश हुई है पूरे वन आर में इतनी स्वाइल नहीं दी जितनी अब दी है मोटी हाँ जी इसमें सेकंड पार्ट क्या पूछा है कहते जो ये नंबर आ गया इसको अगर लोएस्ट में करेंगे तो क्या आएगा वन अपॉन थ्री आएगा आंसर बी वाला पार्ट अपने आप करोगे मैं नहीं करवाऊंगा ठीक है अब yes. आ जाओ वैदिक मैथ पे कल हमने क्या किया था सब हंड्रेड इलेवन से सबसे पहले सबसे पहले दिन हमने क्या किया था मल्टीप्लीकेशन विद इलेवन किया कल हमने क्या किया था मल्टीप्लीकेशन विद वन हंड्रेड इलेवन तो आज जो हम कर रहे हैं वो हम करेंगे लेसन थर्ड टॉपिक थर्ड टॉपिक थर्ड क्या है स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विथ फाइव एंडिंग विथ फाइव स्क्वायर पता क्या होता है नहीं नहीं पता स्क्वायर का मतलब होता है पावर टू इतना सर बस power... पता। पर किसी नंबर पे टू लगा देते हैं पावर उसको पावर बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं पावर आग. अब जैसे का का स्क्वायर स्क्वायर इसका होता है ऐसे ही बच्चे फिफ्टीन का स्क्वायर फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन हमें ऐसे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा ना फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव टू कैरी

थर्टी फाइव का स्क्वायर ऐसे कोई भी नंबर हो नाइनटी फाइव का 65 का, का इसमें क्या क्या करना है? है? है सबसे पहला पे ना ये फाइव का स्क्वायर करो ट्वेंटी लास्ट में लिख दो तो. क्या बच गया वन बच गया का बड़ा भाई कौन सा है Two.

फोर का बड़ा भाई फाइव फाइव फोर सा कितना टाइम लग रहा है हमें हम सीधा जैसे नॉर्मली नंबर लिख रहे होते हैं ना ऐसे कर रहे हैं इजी है ना यस yes. अगर हमने नाइन्टी फाइव को नाइन्टी फाइव से करना हो मल्टीप्लाई करें जितना टाइम हमको इन दोनों को लिखने में लगा है उतने में ये हमने मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया स्क्वायर भी फाइंड कर दिया 95 के नीचे 95 लिखने में जितना टाइम हमने वेस्ट किया उतने में हमने ये 9025 लिख दिया लिख दिया ना अब कहां यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे uh, 95 25 95 45 47 95 45 4 कैरी 9981 485 5, 12, 5 49, 110, 9. कितना टाइम लग गया और इसमें कितना टाइम लगा थोड़ा yes. इस... सा ये टू डिजिट के लिए नहीं है सबके लिए है जैसे मैं ले लेता हूं अभी वन हंड्रेड फाइव का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर कर लो ट्वेंटी फाइव टेन का बड़ा भाई इलेवन इलेवन टेन वन वन जीरो हो गया वन हंड्रेड फिफ्टीन का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव इलेवन का बड़ा भाई ट्वेल्व ट्वेल्व इंटू इलेवन वन थर्टी टू बच्चे ये हमारा आज का टॉपिक है वैदिक मैथ का एक काम कर एक ना अलग से कॉपी लगा ली उसपे जो जैसे पहला टॉपिक किया था वैदिक मैथ का वो लिख फिर मतलब दो तीन पेज छोड़ दे जिसमें तूने प्रैक्टिस करनी है या लगातार ही कर पहला टॉपिक फिर दूसरा टॉपिक मतलब एक तेरी कॉपी बन जाएगी पूरी वैदिक मैथ की ठीक है रूल्स लिखो कि रूल क्या था क्या रूल फॉलो हुआ उसकी एग्जांपल्स करो सॉल्व इस साइड से तो अगर वैदिक मैथ अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है और देखना तेरा अपने आप इंटरेस्ट बनेगा इन चीजों में मैथ तेरे को इजी लगने लग जाएगा इस चीज से ये कैलकुलेशन पार्ट से ठीक है मोटी यस yes, सर मोटी है मैं फिर तू मोटी के कहने पे बोली क्यों <laughs> हाँ घबराना नहीं है यू आर ए गुड गर्ल ठीक है कोई बात नहीं मैथ में अभी हम हाईएस्ट लेंगे ओके यस yes, सर नाइनटी नाइन आए अब दूसरे सब्जेक्ट में अभी हंड्रेड लेंगे हम मैथ देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट आगे आता है हमारे ठीक है मोटो यस yes, हाँ मोटो पे भी बोल पड़ी चल ठीक है ओके टाटा बाय बाय सी यू टुमारो इन द मॉर्निंग कल छुट्टी है ना मॉर्निंग में सेवन ओ उससे पहले ये दोनों एक्सरसाइजेस करनी है और ये वैदिक मैथ्स वाला टॉपिक भी करना है ओके ठीक है पूरी हिल गई है ना चलो ओके बाय बेटा